हाउ टू फिक्स सैमसंग M12 कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिगराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस के अंदर पे कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों कॉल करते वक्त आपका वॉल्यूम जो है दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं है, या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकती है, वॉल्यूम कट हो सकते हैं, या फिर वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, किसी भी तरह का कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं, तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कैसे आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करना है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ जाते हैं तो आप अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है, कॉल को एक बार कट कीजिए और डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप एक बार दोबारा से चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है आपका ऐप्स ऑप्शन, और ऐप्स पर जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है फ़ोन सर्विस। तो फ़ोन सर्विस के अंदर पे जाए, यहाँ पर जाके दोस्तों आपको क्या करना है, स्टोरेज ओपन करना है और इसका डेटा को एक बार क्लियर करके ओके कर देना है। जैसे ही डेटा क्लियर होगा आपको वन स्टेप बैक करना है और परमिशन पर जाना है, परमिशन को अलाउ करना है। सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करना है, उसके बाद चेक करके देखिए दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों आप एक ही नंबर पर बार बार ट्राई कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे नंबर पर भी कॉल करके कोशिश करके देखिए, ठीक है। दूसरे मोबाइल पे आप नंबर डायल करें और उसमें आप सुन के देखें दोस्तों कि कॉल वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पर काम करे या नहीं करे, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल पे ही नहीं, दूसरों के मोबाइल पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपको कॉल वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहे, तो इस तरीके का भी इशू हो सकते हैं। तो आप ये भी ट्राई ज़रूर करके देखें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इतना सॉल्यूशन करने के बाद तो ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो एक बार नेटवर्क कनेक्शन भी चेक करके देखें। नेटवर्क दोस्तों अगर सही तरीके से आपने यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है तो जाइए कनेक्शन पे, आपका दोस्तों यहाँ पर वोल्ट इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो वोल्ट यहाँ पर दोस्तों मेरा ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। अगर आप एयरटेल सिम वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तो आपको वोल्ट इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वोल्ट को इनेबल करें। मोबाइल नेटवर्क पर जाए और नेटवर्क मोड सेलेक्ट करते हुए नेटवर्क को 4G पे सेट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है सेट कर देना है अपना नेटवर्क सेटिंग को, और उसके बाद दोबारा से कॉल करके कोशिश करें, आपका जो यहाँ पर कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड हो चुका होगा। दोस्तों इस तरीके से कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम फिक्स होते हैं। बाई एनी चांस अगर आपको दोबारा से प्रॉब्लम आते हैं तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखिए। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका ये जो इशू है डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम आते हैं तो ये सारे सॉल्यूशन आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप सारे सॉल्यूशन ट्राई कर लिया है फिर भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों सर्विस सेंटर पर जाइए और चेक करवाइए अपने मोबाइल को, या फिर किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम जो है आपको हार्डवेयर का भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो टेक्नीशियन या तो फिर सर्विस सेंटर पर ले जाके ही आपको फिक्स करना है, उसके बाद ही दोस्तों आपका प्रॉब्लम फिक्स होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिक्स कर लीजिए अपना कॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।